जो लोग आइस का नशा करते हैं, ऐसे लोगों की कौन सी ऐसी 5 हाईलाइट निशानियां हैं जिससे हमें ये आइडिया हो सकता है कि हम अपनी लाइफ को किस डिज़ास्टर की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुआफ़िया मलिक है। बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। उसके साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन CBT, NLP और हिप्नोथेरेपी में भी है। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 निशानियाँ, स्पेशली हम आज बात करें ड्रग एडिक्शन में भी कैटेगराइज करेंगे आइस। जो लोग आइस का नशा करते हैं, ऐसे लोगों की कौन सी ऐसी 5 हाईलाइट निशानियाँ हैं जिससे हमें ये आइडिया हो सकता है कि हम अपनी लाइफ को किस डिज़ास्टर की तरफ लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले आइस, बहुत से यंगस्टर्स जो स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में हैं, वो बच्चे जो है वो आइस, जिसको हम मैथ या क्रिस्टल का नाम देते हैं, जो एक वाइट कलर का पाउडरिश मटेरियल होता है जिसको स्नोर्ट करते हैं, स्निफ करते हैं, एडिक्ट करते हैं, इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट करवाते हैं। यानी देर आर डिफरेंट वेरियस वेज जिससे हम उस ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं। और जब ये ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके ब्लड के अंदर फ्यूज होता है, तो ये आपके पूरे ब्रेन केमिकल्स को बिल्कुल तबाह कर देता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे हमें समझ नहीं आती, हमारी डेली एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं। यहाँ इससे पहले मैं 1-2 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हम एक एडिक्शन को, किसी भी एडिक्शन को स्टार्ट करते हैं, उसका स्टार्ट होता कहाँ से है। क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है जी, ऐसे ही मेरा दोस्त ले गया, हमने इस्तेमाल किया, दिस एंड दैट वाला सिनेरियो। तो बिल्कुल ऐसे होता है कि बिल्कुल सबसे पहला स्टार्ट हमारा होता है या तो फ्रेंड्स के साथ फ़न में, यूनिवर्सिटी में थे, दोस्त सारे कर रहे थे, उन्होंने कहा जस्ट टेस्ट कर लो, मैंने एक दफ़ा चेक किया तो मुझे अच्छा लगा। यानी उसके बाद आपको जो टेम्परेरी उसके क्या कहते हैं इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो क्या होते हैं कि आपको एकदम अपने अंदर एनर्जी फील होती है, आपके अंदर यूफोरिया यानी आपके अंदर हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, आपको लगता है कि आप दुनिया के सारे काम कर लेंगे, आपके अंदर इतनी एक्साइटमेंट आ जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी जो जागने की स्किल है, स्पेशली जो लोग रात को सोते नहीं हैं या पेपर्स में ऐसी कोई ड्रग का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो सारी रात जाग सकें, यानी ये डिफरेंट उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो एक टेम्परेरी हैं। अब आप डेली बेस पे अगर एक डोज इस्तेमाल करें, और आप यकीन मानिए रिसर्चेस ये कहती हैं सबसे ख़तरनाक और डेंजरस जो ड्रग है वो आइस है यानी मैथ है, जिसको हम यूज़ करते हैं बहुत से। मैं ये सबको नहीं कैटेगराइज करी, मैं यहाँ ये डिफाइन ज़रूर कर रही हूँ, बहुत से डिफरेंट लोग करते हैं लेकिन हम उस चीज़ को सबके सामने शो नहीं करते, ठीक है। तो ये इसके टेम्परेरी इफ़ेक्ट्स तो हमें पता है कि जी हमें हमारे अंदर एक एनर्जी आ रही है, हम बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने इनके ड्रॉबैक्स कभी देखे हैं कि ऐसी कौन सी निशानियां हैं या साइन सिम्टम्स हैं जो हमें इस ड्रग के नतीजे में देखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हम सफ़र कर सकते हैं। हम इस चीज़ को कभी भी नहीं सोचते, हम सोचते हैं वक्त ही सुकून मिल रहा है, वक्त ही एक्साइटमेंट आ रही है, चलो जी चलने दो, जो होगा देखी जाएगी। तो जब इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स की तरफ जाया जाता है, तो सबसे पहले देखें किसी भी एडिक्शन की अगर आपको आदत हो गई है तो उसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट क्या है, आपको बार बार क्रेविंग होती है, आपको अर्ज होती है किसी ना किसी तरह से वो एडिक्शन या वो ड्रग आप अपनी बॉडी के अंदर फ्यूज ब्लड में लाजमी करें। वो आप इंजेक्शंस की फॉर्म में कर सकते हैं, स्नॉट कर सकते हैं, स्निफ कर सकते हैं, यानी डिफरेंट तरीके हैं। जो लोग करते हैं उन्हें बड़े अच्छे से आइडिया है कि हमने किस तरह से उसको यूज़ करना है, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें अर्ज स्टार्ट हो जाती है, यानी उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये है कि आप जब किसी भी ड्रग एडिक्ट से या आइस एडिक्शन का जो शिकार है उसको देखेंगे, उसके फेस फीचर्स नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट होंगे। यानी उनकी आइज आप देखेंगे, उनके जो डायलेट्स हैं, जो आई बोल है, उसकी जो रेडिएशन और फ्लक्चुएशन है ना, वो डिफरेंट होंगी रादर देन अ नॉर्मल पर्सन, ठीक। दूसरी चीज़ कि उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी शिकार होना शुरू हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, बेचैनी की कैफियत हो रही है, किसी तरह से हम थोड़ी सी ड्रग ले लें, यानी उनकी जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं, एक नॉर्मल इंसान कुछ आवर्स के लिए स्पेसिफिक स्टिल बैठ सकता है, लेकिन जो ड्रग एडिक्ट ले रहे हैं वो एक जगह से टिक के नहीं बैठा जाता, क्योंकि उनके जिस्म में अजीब सी एक कह लें कि अंदर तूफान मचा होता है, किसी तरह से हम अपनी वो डोज ले लें, जब तक वो डोज नहीं लेंगे उनकी जो बॉडी की नॉर्मल मूवमेंट है वो नहीं होंगी, ठीक। थर्ड जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें जब एक चीज़ की आदत हो गई है तो हमें बार बार क्रेविंग होती है, उस क्रेविंग के नतीजे में हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो गुस्सा हम किसी पर भी निकाल सकते हैं, ऑफिस में है तो ऑफिस में निकल रहा है, घर में है तो घर पर
में निकल रहा है, जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी तो हम अपने एंगर इश्यूज़ का भी शिकार होना शुरू हो जाते हैं। चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उनके टीथ देखें, जो नॉर्मल टीथ हैं और जो ड्रग एडिक्ट के या आइस एडिक्शन के जो इंसान के टीथ हैं, दांत जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप केमिकल को डायरेक्ट अपने मुँह से या जिस तरह से भी यूज़ करें तो उसका इफ़ेक्ट आपके ऑर्गन्स पर होता है, सिर्फ टीथ पर नहीं, जब आप इंटरनल ऑर्गन्स की बात करेंगे आपके स्टमक पर इफ़ेक्ट होता है। और इसकी आखिरी में एक और निशानी बता दूं जिसके साथ मैं ऐड करूंगी, आपको हेडेक और आप आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, आपकी जो डेली फंक्शनिंग है वो इस हद तक डिस्टर्ब होगी कि आपके अंदर जो थॉट्स हैं वो भी पैरानोया होना शुरू हो जाती हैं, आपको हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाती हैं, आपको डिल्यूजन्स होना शुरू हो जाती हैं। यानी इसके इतने वर्स सिम्टम्स हैं जिन पर अगर हम बात करें तो ये पूरा वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाए। लेकिन इन शॉर्ट हमने इस वीडियो में बताने की ये कोशिश की है कि जो ड्रग एडिक्शन है या आइस एडिक्शन है, जो सबसे वर्स्ट सिनेरियो है एडिक्शन की कैटेगरी में भी, उसके बहुत वर्स साइंस एंड सिम्टम्स हैं। और अगर आप अपने आप को इस तरह की चीज़ों की एडिक्शन या लत नहीं लगाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। अदरवाइज़ यू नीड टू कंसल्ट अ प्रॉपर काउंसलर, या नो यू नीड टू कंसल्ट अ प्रॉपर ड्रग एडिक्ट जो काउंसलर है या थेरेपिस्ट हैं जो आपको उस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।